हे गाइस, दिस इज निखिल। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो को कंपैरिजन करने वाले। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते स्टार्ट। तो देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। आईफोन 13 में आप लोगों को 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है और आईफोन 13 प्रो में भी आप लोगों को 6.1 इंच का डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस, इसकी वेट की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को आईफोन 13 में 174 ग्राम का वेट मिल जाता है और आईफोन 13 प्रो में 172 ग्राम का वेट इसमें मिल जाता है। तो गाइस, इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को आईफोन 13 में 5G नेटवर्क मिलता है और आईफोन 13 प्रो में भी आप लोगों को 5G नेटवर्क सर्विस देखने को मिल जाता है। तो गाइस, इसकी कैमरे की बात कर लेते हैं। तो आईफोन 13 में आप लोगों को दो कैमरा मिलता है, जो दोनों कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा भी आप लोगों को 12 मेगापिक्सल को देखने को मिल जाता है। तो गाइस, आईफोन 13 प्रो में तीन कैमरे आप लोगों को मिल जाते हैं, जो तीनों कैमरे 12 मेगापिक्सल के और आप लोगों को इसमें भी सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल जाता है। तो गाइस, बात कर लेते हैं इसकी बैटरी को। तो आप लोगों को आईफोन 13 में 3095 mAh की बैटरी मिल जाती है और आप लोगों को आईफोन 13 प्रो में भी 3095 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, बात कर लेते हैं इसके चार्जर की, तो चार्जिंग सपोर्ट की। तो इसमें आप लोगों को 20 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है आईफोन 13 में, और आईफोन 13 प्रो में आप लोगों को भी 20 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। और गाइस, आप लोगों को इन दोनों में भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गाइस, इन दोनों में आप लोगों को फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता, इन दोनों डिवाइस में आप लोगों को फेस आईडी देखने को मिल जाता है। तो गाइस, इन दोनों में सिम स्लॉट की बात कर लें, दोनों में दो सिम स्लॉट आप लोग लगा सकते हैं, इन दोनों में दो दो सिम लगा सकते हैं आप लोग। और गाइस, इन दोनों में एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड आप लोग नहीं लगा सकते, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड वाला फीचर इन दोनों में देखने को नहीं मिलता। और गाइस, इन दोनों में CPU हार्डवेयर CPU की बात कर लें, इन दोनों में हेक्सा CR2.2+4 का इसे हार्डवेयर CPU देखने को मिल जाता है। और गाइस, इन दोनों में ग्राफिक की बात कर लें, तो 4CR का ग्राफिक इन दोनों में देखने को मिलता है आप लोगों को। तो गाइस, इन दोनों में 3.5mm में हेड ईयरफोन जैक नहीं मिलता है और चार्जिंग सपोर्ट टाइप सी का इसमें देखने को मिलता है। और बोल्ड मटेरियल की बात कर लें, तो एल्युमिनियम फ्रेम इन दोनों में मिलता है। और बैक साइड बात कर लें, तो ग्लास पैनल मिलता है बैक साइड का। तो चलिए गाइस, तो चलिए फाइनली गाइस, इन दोनों की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सिंपली गाइस, आईफोन 13 का प्राइस आप लोगों को देखने को मिल जाता है 74,900 रुपये और आईफोन 13 प्रो का 103,900 रुपये देखने को आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए फाइनली गाइस, आप लोगों को मैंने सारा कुछ बता दिया। अब इसको बात करते हैं कौन सा लेना चाहिए, कौन सा इसमें से बेस्ट होगा। तो गाइस, हम प्राइस के अकॉर्डिंग लेकर चलें, तो आईफोन 13 में आप लोगों को 74,900 रुपये का देखने को मिलता है और आईफोन 13 प्रो से कुछ मतलब कि ज़्यादा कम नहीं फ्यूचर दिया गया, थोड़ा मोड़ा ही कम दिया गया है और सारा फ्यूचर वैसा ही दिया गया। अगर आप लोग प्राइस के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, आप लोग अपने बजट में ही लेकर चलते हैं, तो आईफोन 13 आप लोगों के लिए बेस्ट होता है। और गाइस, आप लोग अगर पैसे की कोई बात नहीं है, तो आईफोन 13 प्रो आप लोग ले सकते हैं, ये भी फ़ोन बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों भी अपने अपने जगह पर सही है। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।